बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग साथ खैरियत से होंगे। कराची के इलाके साइड एरिया को इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कराची को ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, और उसी रेवेन्यू की मदद से कराची पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। यानी कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है साइड एरिया का कराची के रेवेन्यू को जनरेट करने में। ठीक है जी, अभी मैं मौजूद हूँ साइड एरिया में, लेकिन अफसोस जब ये होता है, जब मैं देखता हूँ कि साइड एरिया की क्या हालत है। इस एरिया को बहुत ज़बरदस्त डेवलप होना चाहिए था, जिस तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ मौजूद है, लेकिन जो हाल यहाँ पे रोड्स का है, जो हाल यहाँ पे मतलब ज़रा सी बारिश होती है तो क्या हाल हो जाता है, तो पूरे कराची का ही बुरा हाल है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अभी के साइड एरिया के रोड्स का क्या हाल है। मैं आपको सिर्फ एक मखसूस रोड दिखाऊँगा, खैर ये तो बहुत आगे तक फैला हुआ है साइड एरिया का रोड, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रोड्स का क्या हाल है। अफसोस हो रहा है देख के, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कैसा छोड़ा हुआ है इस साइड एरिया को, जिसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेवलप होना चाहिए था, क्योंकि कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और कराची की ये जो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड इंडस्ट्रियल एरिया, ये इंडस्ट्रियल एरियाज कराची को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। तो आप देखें क्या हाल है। ये देखें भाई साइड एरिया का हाल, थोड़ा आगे लेना था। ये रोड देख रहे हैं अभी बैंक चुरंगी की तरफ जो जा रहा है, ये साइडों से ये महीनों से ख़राब है। ये देखें देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कराची का इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है कराची जैसे शहर में। ये हाल है भाई, गाँव के रोड इससे बेहतर होंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह के ये रोड्स हो रहे हैं, यहाँ पे क्या बाइक वाला बाइक चला है, क्या गाड़ी वाला गाड़ी चला है, और रिक्शा और बसेस में जो लोग सफ़र करते हैं उनका तो खैर, उनसे तो कभी उनके जज्बात पूछो तो पता चलेगा क्या हाल है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह साइड एरिया है, ये कराची का इंडस्ट्रियल सारी मेन इंडस्ट्रीज हैं यहाँ, और उसकी हालत देखिए। का हाल आपके सामने भाई, मतलब जहाँ तक निगाह जा रही है तहाँ तक निगाह नजर आएगी आपको। ये देखिए अफसोस हो रहा है देख के भाई, ये जबकि इस एरिया को तो ऐसा ज़बरदस्त डेवलप होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरह का यहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है पूरे कराची को, फिर पूरे कराची के ज़रिए पाकिस्तान को, लेकिन आप ये देखें ये हाल है। ये पूरे मतलब अफसोस हो रहा है, पूरे आगे तक जहाँ तक ताते निगाह रुक जा रहा है। ये है घनी चुरंगी, साइड एरिया की मशहूर चुरंगी। ये आप देखिए इसके अतराफ में क्या हाल हुआ है रोड्स का। ये देख रहे हो, ये फुटपाथों का हाल है, गटर लाइनें बह रही हैं। अभी तो खैर सफाई हो गई है, क्योंकि धूप निकली तो शायद धूप से ही पानी सूख गया गटर वटर करके ना। ये देखें ये हाल है। भाई वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इस वक्त साइड एरिया की क्या हालत है। वैसे तो कराची के हर इलाके की हालत बिल्कुल साइड एरिया जैसी है, लेकिन बात यह है कि कराची का कोई भी इलाका अगर इस तरह से इफ़ेक्ट होगा तो हमें तकलीफ होगी कि हम कराची में पले बढ़ें, और हमें यानी जो लोग इस काम को करने की ताकत रखते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, उनको सोचना चाहिए कि वो
इस पर ये काम करें, इसको सही करें, ताकि ये हमारा इलाका जो है, ये नहीं बल्कि जितने भी इलाके अफेक्टेड हैं वो सारे सही हों और हम लोगों को उसका फ़ायदा, आने वाली नस्लों को उसका फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।